प्यारे दोस्तों, अभी अभी सैकड़ों की संख्या में हमारे बच्चे उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, बेटी और बेटे। इनके दिल में एक जोश है, इनमें अपने जिंदगी को सार्थक करने का एक जज्बा है और अपने जीवन को सार्थक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हम बच्चे हमेशा पूछते हैं कि मैं क्यों जिंदा हूँ, मेरे जिंदगी का मकसद क्या है। तो आज मुझे फख्र हो रहा है कि उन्होंने अपने जिंदगी का मकसद समझ लिया है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो अपने आप को काबिल बनाना है, अपने मस्तिष्क की शक्ति पर भरोसा करना है, हमें कुछ ज्ञान सीखना है, हमें कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान लेने हैं। और इन्होंने मेडिकल प्रोफेशन को चुना है और ये जीविका ईएमआर का प्रांगण है, जहाँ के हम हजारों की संख्या में अपने डिफरेंट राज्यों से बच्चों को बुलाते हैं और उन्हें हम नर्सिंग का ट्रेनिंग देते हैं, डॉक्टर्स का ट्रेनिंग देते हैं, पायलट्स का ट्रेनिंग देते हैं। हमारा सौभाग्य है कि ये सारे हमारे जो लोग आए हैं ये नर्सिंग का ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसे हम अपने लैंग्वेज बोलते हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट टेक्नीशियन। इसमें बालक और बालिका सभी लोग हैं, लेकिन इनका एक ही लक्ष्य है कि अपने जिंदगी से अंधकार को मिटाएं। जो लोग इमरजेंसी के शिकार हुए हैं, जिनके जिंदगी में विपदा आई है, जिनकी जिंदगी अवतब में है, जिनके प्राण संकट में है, ये संकट मोचन है माँ हनुमान की तरह। जिस तरह हनुमान ने संजीवनी बूटी लाके लक्ष्मण की जिंदगी बचाई थी, तो इनके पास भी वो पर्वत का नाम क्या था, धौलागिरी पर्वत का नाम था। धौलागिरी पर्वत को उठा के ले आए थे क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि संजीवनी बूटी क्या होती है। तो उसी तरह से इनको भी धौलागिरी हमने दिया है 108 व्हीकल। उस व्हीकल में बैठ के विभिन्न जगहों पर जाएंगे, जहाँ से इनको संकेत मिलेगा कि किसी व्यक्ति का, नर और नारी का जीवन संकट में है, तो उसको ये जान बचाएंगे। प्यारे दोस्तों, तो उसके लिए आवश्यकता है मानसिक शक्ति की। तो योगी वीरेंद्र योगी का ये संकल्प है, इन बच्चों में चेतना की जागृति करूं और इनमें हौसला बुलंद करूं और उनकी ये बताऊं कि आप भी महान बन सकते हो। महानता का ये पहचान किए हैं, महानता का मतलब है कि अपने माँ की शक्ति को समझना और उसका सही प्रयोग करना। और ये सारे बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी जोश में हैं और कुछ अच्छे काम करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। आज हमने अपने इस भाषण में इनको चित्र निर्माण करने, विचारों को बलवान करने और इनमें आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश किया हूँ। इनको ये बताया हूँ कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो भवरा डूबन रहा किनारे बैठ। इन बच्चों को मैं ये बताने की कोशिश किया हूँ कि आप में जितनी भी प्रभु ने दिया है, शरीर, मस्तिष्क, हाथ, कान, पाँव, वो सारे व्यक्ति में होता है, लेकिन आपकी महानता इस बात पर निर्भर करती है कि बॉडी, ब्रेन, टैलेंट, फैकल्टी, इंटेलिजेंस का प्रयोग कैसे करते हैं। इनको मैंने ये बताया कि आपके जीवन में लक्ष्य होनी चाहिए और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी बेटी ने बोला कि सहयोग की आवश्यकता है, और हमारी इस बेटी ने बताया कि तपस्या करना पड़ेगा, और हमारे दूसरे लोग बदल के अद्भुत विश्वास होनी चाहिए और भागीरथ प्रथम से ही हम लक्ष्य को पा सकते हैं। तो इस तरह से इनके मनोबल को हमने जगाया है और इनमें चित्र निर्माण करने की बात बताई है। इनको मैंने ये बताया कि आप जो सोचोगे वही बन पाओगे। जिंदगी में सोच ही आपकी शक्ति है, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम हो जाएंगे। तो इन चंद शब्दों के साथ मैं इनको अनुमति देता हूँ कि ये लोग लंच के लिए जाएं, क्योंकि एक बजने जा रहा है। तो मैं अपनी एक बेटी को बुलाता हूँ, पूछता हूँ कि कैसा लगाइए आपके, और जो बोलना चाहते हो यहाँ के अपनी आप ही बोलेंगे, कैसा लगा क्लास। बेटी अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है। मेरा नाम लक्ष्मी तिवारी है सर, आपका ये बहुत अच्छा लगा जो आप बताए अभी। बेटा क्या अच्छा लगा आपको ये बताइए, आप बहुत काबिल बच्चा है, बोल सकते हैं, आप बोलिए क्या अच्छा लगा आपको। सर आगे हम लोग कैसे बढ़ना चाहिए आपने बताया, बहुत अच्छा लगा सर, हम लोग हिम्मत नहीं हार सकते। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो भगवान आपकी रक्षा करे, गॉड ब्लेस यू माय डॉटर।
आइए सर, हम अपने एक बैच के सीआर हैं जी, इनसे मैं निवेदन करूंगा जी, कि जो अभी अभी लेक्चर हुआ इसके बारे में आपका क्या क्या विचार है? सर जैसा कि आपने बताया, आपकी जो जितने वाक्य आपने बोले उसमें हम लोगों के लिए प्रेरणा था कि हम लोग सेवा भाव से रहें और ईएमटी पद तक ना सीमित रहें, उसके आगे भी हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं। सफलता की कोई सीमा नहीं होती, सफलता की कोई सीमा नहीं होती और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। आप बैठे भाई साहब, आप आइए, अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम यूनुस है। ये हमारे यूनुस भाई हैं, हमारे योगा में भी इन्होंने काफी श्रद्धा से योग विद्या सीखा है और अपना अनुभव बता रहे हैं आप लोगों को कि इस लेक्चर के बाद इनको कितना परिवर्तन हुआ इनके दिमाग में और कितना जोश पैदा हुआ। बोले भाई साहब, हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए और निगेटिव नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और हमेशा मोहब्बत करना चाहिए भाईचारा, अपने खुद से, खुद से और अपने समाज से, समाज से, अपने देश से, देश से और सभी से, और सभी से। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, बी ए भगवान।